सीतापुर में कोरोना महामारी के कारण नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे कर बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सूची बनाई गई है और घर घर जाकर उन्हें टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि वर्तमान में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का चौथा चरण चल रहा है, जिसके तहत शून्य से दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम, जिसमें आशा बहु और ANM शामिल है, घर घर जाकर लाभार्थियों को टीका लगा रही है। हमारा इस समय मिशन इंद्रधनुष 0.4 चल रहा है। इसमें इधर कोविड काल में और वैक्सीनेशन की वजह से हम लोग के आशा बहु और ANMs जो हैं वो कोविड में ज़्यादा लगी रहीं और लोग भी बाहर नहीं निकले, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। हम लोगों के द्वारा, आशाओं द्वारा सर्वे करा के उनकी ड्यू लिस्ट बना ली गई है, लेकिन और स्टेट से हमको जो टारगेट मिला है उससे भी हमें ज़्यादा बच्चे मिल रहे हैं जो छूटे हुए हैं। इन सभी बच्चों को हम लोग प्लान बना करके कवर कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 3 दिन हो गया है, तीनों दिन हमारे बच्चे 99% जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से आ रहे हैं और सभी लोग अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं यहाँ आई हूँ। आशा दीदी ने बताया है कि टीके लगने हैं, 4 महीने की मैं गर्भवती हूँ और मुझे टीका लगा है। इस टीके से मतलब हमें बहुत अच्छी सुरक्षा मिली, मेरे होने वाले बच्चे को भी बहुत अच्छा लाभ होगा और ये सरकार द्वारा बहुत अच्छी मतलब सुविधा। मेरा नाम अंजना दीक्षित है, मेरा बच्चा 2 साल का कम्प्लीट हो गया है, उसके लगा जयर MR और विटामिन की खुराक खिलाई गई है। सरकार की योजना मिशन इंद्रधनुष चल रहा है।